पानी फ्रोजन है, तोड़ के पानी निकालना। इट्स अ क्वाइट सनी डे, धूप में -13 है। लीक हो गया है कूलेंट भाई, हाइक तो चालू कर दिया बट मुझे पता है 35% भी ऊपर नहीं पहुंचने। यहाँ कोई गिर गया ना तो सीधा ऊपर जाता है, कोई रेस्क्यू नहीं, कोई सर्वाइवल का चांस नहीं, सीधा ऊपर। तैयार रहना होगा इसके लिए अगर स्पीति आना है विंटर्स में तो। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज इट इन द मॉर्निंग एंड ये देखो कांच पे जो थी पूरी जम चुकी है। टेम्परेचर इज -15 degrees राइट नाउ। लेट्स सी अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। अराउंड 4 घंटे हो चुके हैं वापस से लास्ट स्टार्ट से, बट ये सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर थे। सब मिट्टी उट्टी जितनी सब चिपक जाती है, जहाँ हाथ टच कर दो वहीं चिपक जाती है मिट्टी। सो गाइस, ये जो आखिरी 4-6 घंटे थे सबसे ज़्यादा ठंडे थे, ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी -15 है जबकि 8 बज चुके हैं, धूप आसपास थोड़ी आ चुकी है, नीचे वाला बाकी है। वो रात में 2-3 बार मैं स्टार्ट कर चुका हूँ तो आई होप स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर स्टार्ट नहीं भी हुई अटकनी नहीं चाहिए बस, बहुत बीटी हो जाएगी अगर अटक गई तो। अब हम क्रैंक देंगे इस पर, स्ट्रगलिंग। बंद मत होना, बंद मत होना, बंद मत होना। लग रहा है कि चालू हो जाएगी बट स्ट्रगल कर रही है, इतना स्टार्ट करने के बाद में भी रात में। अगर मैं रात में नहीं उठता तो पता नहीं क्या हालत होती, फिर तो स्टार्ट होना इम्पॉसिबल था। गुड मॉर्निंग, विजेता हो गई। नाइस, कैसे जाके आए? जाके आए वहाँ पे पानी फ्रोजन है, तोड़ के पानी निकाला। रात में इतने 2 बार मैं उठ के चालू कर चुका हूँ तब भी सुबह अभी चालू होने के बाद चालू होने में स्ट्रगल कर रही है गाड़ी। बहुत डीजल की बू आ रही है, पीछे से धुआं भी आ रहा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पीछे से धुआं भी आ रहा होगा। हो गई चालू बट धुआं आ रहा होगा बहुत। चलो थोड़ी देर आएगा फिर चले जाएगा, थोड़ी देर में धुआं चले जाएगा। कमर हटा देते हैं अब। पानी नहीं है तो गया क्यों था, पूछ के जाता है। लेके गया था ना, गरम गरम चाय पी लो फ्रेंड्स। से पहले -15 था तो अभी -12 अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है। चाय मिल गई है, काम हमने बहुत बड़े बड़े आज कर दिए हैं, मेरे तो हो गए, इनके शायद बाकी है अभी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट काम बाकी है। ट्रिप लीडर भाई, काम करने के कोई टिप्स दी जाए जिससे तकलीफ कम हो। गरम गरम ब्रेकफास्ट। हाँ जी, तो धूप लगाने के लिए मैंने खड़ी कर दी थी बस, ऐसी रीज़न नहीं है खास क्योंकि गाड़ी तो चालू हो गई थी, बट तब भी धूप लगाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही होगा जो भी होगा। गाड़ी बढ़िया चल रही है यार, लेकिन बस थोड़ा स्टार्टिंग में डीजल का होता ही है दिक्कत, बट भाई मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, खूब सबसे ज़्यादा स्वाद आ रहा है यहाँ पे मुझे। सो भाई हम लोग काजा से अभी निकल गए हैं, आज का हमारा टारगेट है जितने भी यहाँ पे की पॉइंट्स उन्हें कवर करते हैं, जैसे लांजा हो गया, कॉमिक, एकेम, चीचम ब्रिज एंड की मोनेस्ट्री। तो 5 पॉइंट्स आज हमें कवर करने हैं। भी बज रहा है 11, ठीक टाइम पे निकल गए हैं, बस ज़्यादा किसी जगह पे लेट नहीं किया तो हम लोग सब कवर कर पाएंगे एंड सनसेट हम लोग होपफुली की मोनेस्ट्री पे देख पाएंगे। तो अभी देखो नज़ारे भाई क्या बस, काजा के ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग एंड राइट साइड में अगर आप आगे देखोगे तो अपनी इंडियन आर्मी ने वहाँ पे मस्त बिल्कुल ऐसे अपने फ्लैग्स बना रखे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं वो, इतने बड़े बड़े हैं। आई कांट बिलीव कि लाइक आई कांट इवन थिंक कि वो कैसे बनाए होंगे। तो गाइस हम लोग अभी रुके हैं रास्ते में, ये व्यू पॉइंट है लांगजा का, लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे रुका था।
चलो चलो पीछे वाले भाई साहब अपने धीरे रह जाते हैं। फाइनली एट लंगजा कोम्पा, मस्त धूप है, मस्त व्यू है, बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ पे रात में भी प्लान कर रहे हैं हम लोग अपना स्टार गेजिंग के लिए, क्योंकि भी काफ़ी बैक साइड दिखता है इंटरेस्ट में, बट इस कुछ तो दिखेगा, स्टार्स से एटलीस्ट दिखेंगे, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रात में आएंगे यहाँ पे। भाई स्कैम हो गया हमारे साथ में भाई, ये बादल है ना भाई, भरोसे के नहीं होते, कब बरस जाए कब ना बरसे। अगस्त में गर्मियों में ज्यादा बर्फ थी, अभी ठंड से दिसंबर में यहाँ पे टेम्परेचर से ऐसी की तैसी हो गई, हगना मुश्किल हो गया, लेकिन बर्फ नहीं मिल रही भाई। इट्स अ क्वाइट सनी डे, धूप में -13 है। सो गाइस वी हैव रीच्ड कॉमिक, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट। एलिवेशन में बताता हूँ एग्जैक्ट आपको, मेरी घड़ी डिस्चार्ज हो गई। सबसे ज़्यादा ऊंचा रेस्टोरेंट, पीछे बर्फ बर्फ दिख रही होगी थोड़ी बहुत, बट हमारी किस्मत ख़राब है, महीने भर पहले भी हुई होती ना दिख जाती, बट बहुत पहले हुई थी नवंबर स्टार्टिंग में लास्ट में। ये मिलता है आपको वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट में, मैंने अभी रोटी ऑर्डर की है बस 4.587 meters से एलिवेशन। मोमोज ठीक ठाक है, खास नहीं है, बट गर्म गर्म है इसलिए अच्छा लग रहा है, मस्त है, इज बेटर। अपनी गाड़ी सही सलामत, बट बाजू वाली टैक्सी का लीक हो गया है कूलेंट, ऐसी दिक्कत से बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है भाई, कभी मिलावट मत करो, कूलेंट प्योर डालो, बट ये तो लोकल इनका मैनेज हो जाएगा, उसने वो जुगाड़ कर लेंगे। तो भाई हम आ चुके हैं हिकिम, दिस इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया एंड आई थिंक इन द वर्ल्ड एज वेल। बाकी लोग आ रहे हैं, हमने तो रास्ते में शॉर्टकट्स ले लिए थे स्टीप वाले, तो ट्रैवलर को घूम के आ रही है। दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस नॉट इंडिया। सो द थिंग इज, इस बार मैं कोई पोस्ट कार्ड भेजने नहीं वाला हूँ, लास्ट टाइम मैं अगस्त में आया था तो मैंने 5 भेजे थे, उनमें से एक भी नहीं पहुंचा। एंड हम 24-25 लोगों का ग्रुप था लास्ट टाइम, जिसने सबने पोस्ट कार्ड्स भेजे थे काफ़ी सारे अलग अलग जगहों से, एंड उनमें से शायद 2 या 3 लोग होंगे जिनके पोस्ट कार्ड्स एक्चुअली वहाँ पे पहुंचे थे, तो इस बार कोई भेज के फायदा है नहीं, बिकॉज वो पहुंचेंगे नहीं, इससे अच्छा आई जस्ट बाय देम, जिसको भी चाहिए था लास्ट टाइम मैं उनको डायरेक्टली हैंड ओवर कर दूंगा। एंड यहाँ पे अपनी थार वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में 14,567 feet। तो भाई पोस्ट कार्ड मैंने ले लिए, बट मैंने सेंड नहीं किया क्योंकि वो गुम हो जाता है। किम से निकल गए हम लोग एंड अब हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज की तरफ। क्या नाम है भाई स्टेडियम का? मॉर्गन क्लिफ। हम लोग आ गए हैं की मोनेस्ट्री, ये पीछे जो अभी इसका व्यू पॉइंट है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे। सो भाई लोग हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे, टाइम क्योंकि कम है, या तो व्यू पॉइंट चले जाओ या मोनेस्ट्री के अंदर, एंड मोनेस्ट्री और डीट सब देख चुके हैं इतनी सारी, और सब अंदर से थोड़ी सिमिलर ही है, तो सबने व्यू पॉइंट चूज किया, और अब मैं नया ट्रैक लीडर बन गया हूँ, सब गलत रास्ते जा रहे थे अब आ रहे हैं मेरे पीछे। भाई हाइक तो चालू कर दिया, बट मुझे पता है 25% भी ऊपर नहीं पहुँचने। सो फाइनली गाइस आई एम ऑलमोस्ट एट द टॉप, सांस फूल गई है, भी नहीं आ रहा अभी इतना तक भी, ज़्यादातर नीचे ही उतर गए, इसके बाद जाने का पॉइंट नहीं है। तो अभी ये देखो व्यू, हम लोग लेट हो गए नहीं तो सनसेट मिलता मस्त। So guys, we have left Chicham Bridge. No, Chicham Bridge. What am I talking about? Key Monastery. Key Monastery. My way, I'm high up. So guys, we have left Key Monastery. We were first Key Monastery because the sunset that was going to miss. Okay, let's see light weight. So now we are going to Chicham Bridge. अभी रात हुई नहीं है, टाइम अभी सिर्फ 5 बजे है, बट यहाँ पे पहाड़ों में काफी जल्दी रात हो जाती है, सो सनसेट ऑलरेडी हो चुका है 5 बजे से पहले ही, एंड जब तक हम लोग लौटेंगे पूरा अंधेरा हो चुका होगा। सो अभी का ये प्लान है चीचम ब्रिज मिलके अब मिलते हैं फिर। तो भाई ये जो टर्न आ रहा है ना आगे, इसके नीचे स्लोप नहीं है, सीधा फ्री फॉल है, वो भी एटलीस्ट 2000 feet होगा। यहाँ कोई गिर गया ना तो सीधा ऊपर जाता है, कोई रेस्क्यू नहीं, कोई सर्वाइवल का चांस नहीं, सीधा ऊपर। भाई ब्रिज पे पहुंच के मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना डेप्थ है।
यहाँ इतना ज्यादा डेप्थ है इसी वजह से कॉर्नर में ऐसे बोल्डर करके रखा हुआ है। सो वी आर एट चीचम ब्रिज, अब देखो डेप्थ। अरे यार स्कूल की प्रेयर में खड़े है क्या? ओके पूरा ग्रुप गया मतलब? तो भाई लोग होटल हम लोग वापस आ गए काजा में एंड अभी हम लोग रूम चेंज कर रहे हैं बिकॉज कल रात में हमारा पता है आपको मेरे बताया नींद नहीं आई थी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट काम नहीं कर रहा था, हमें लगा था लाइट चली गई है बट एक्चुअली वो सर्किट का कुछ इश्यू था तो वो जितने भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वाले पॉइंट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। अभी हमने रूम चेंज कर लिया एंड यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक तो थोड़े अजीब, या तो ज़्यादा ठंडा है या फिर ये सस्ते वाले टाइप के लो क्वालिटी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, बहुत देर लगाते हैं गर्म होने में और उसके बाद भी थोड़ा ही गर्म होता है। मैं कश्मीर में रहा था जब तब इतने मस्त वाले थे वो, भाई 5 मिनट में गर्म हो जाते थे, उनको भी टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाता था। ये वाले बस सपोर्ट करते हैं बट हाँ वो सपोर्ट बहुत नेसेसरी है यहाँ पे, अदरवाइज नींद ही नहीं आती, कल सो नहीं पाए, आज वो पुलिस हो पाएंगे। तो अभी वापस जाना है, कंबल डालना है गाड़ी में, बस कंबल नहीं डाला तो सुबह भैया गाड़ी चालू नहीं होने वाली। धनु को हम लोग गुड नाइट किस दे चुके हैं, 3-3 ब्लैंकेट डाल दिया है भाई, इससे ज़्यादा प्यार हम नहीं दे पाएंगे, रात में तब भी स्टार्ट तो करनी पड़ेगी। भाई हम एक ग्लास भर के गए थे एंड अब इसकी हालत देखो, वापस आए हम घूम के तब तक सब जम चुका है, निकल ही नहीं रहा है भाई, बर्फ हो गया पूरा। तैयार रहना होगा इसके लिए अगर स्पीति आना है विंटर्स में तो। सो भाई रात का 11 बज रहा है, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, -16 -20 तो भी है, आवाज़ भी बिल्कुल कांप रही है पूरा, मैं कांप रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट निकली एक बार करने आया हूँ सोने से पहले आज, क्योंकि शायद नींद आ जाए, कल से थका हुआ हूँ, तीसरी बार ये वार्म कर रहा हूँ इसको। हो गई चालू भाई, हो गई